बेबी इन येलो की पूरी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो आओ इसकी एक स्टोरी वीडियो भी बना देते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा कट किया। मतलब आज की वीडियो में मैं बस आपको इस गेम का एक ही चैप्टर बताऊंगा। गेम में कुल 3 चैप्टर्स हैं, शिप, रैबिट और आखिरी दी ब्लैक कैट। तो आज की वीडियो में मैं बस आपको शिप चैप्टर की कहानी बताऊंगा, वो भी टोटल पूरी कहानी, वो भी कुछ इसके अंदर की अजीबोगरीब जो हरकतें होती हैं उसके साथ। तो ये कहानी है एक शैतानी बच्चे और एक मासूम सी बेबी सीटर की। तो बेबी सीटर का काम जो था रोज का, मतलब बच्चों को संभालना यही काम होता है, तो वो बच्चे को दूध पिलाने जाती है। बाप रे ये क्या शैतानी आ गई थी मैं। तो उस बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी नैपी चेंज करने जाती, लेकिन यहीं से उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया था। बच्चे को इधर रखा था, नैपी उधर चेंज करी, इतना छोटा बच्चा रेंग के तो जा नहीं सकता इतनी तेज, और वो देखो कहाँ पे बैठा है। मतलब यहीं से उस बेबी सीटर के साथ कुछ अजीबोगरीब होना स्टार्ट हो गया था। उस बेबी सीटर को तो ये थोड़ा सा अजीब तो ज़रूर लगा था कि ये बच्चा ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो उस पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसको पैसे मिल रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो अपने बच्चे को स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। किनारे के उस पार दूर देश में ऊपर से काले तारों के साथ राजकुमार तब तक गहरी नींद में सो रहा था। एक बिल्ली उसके बिस्तर पर कूद गई। मुझे एक गुप्त बगीचा मिला है, बिल्ली ने बहुत प्रसन्नता से कहा। उत्साह से वे बाहर भागे रात के खोजी। वे सुनहरे बगीचे के द्वार से चले। सुंदर पेड़ों को देखो। वे सुनहरे कंकड़ पथ के साथ चले। रंग बिरंगे फूलों को देखो। वे शानदार बहते फव्वारे के पास से गुजरे। नाचते हुए पानी को देखो, 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 देखो। लेकिन राजकुमार को बगीचा पसंद नहीं आया और उसने पेड़ों को मारना शुरू कर दिया। उसने फूल खोदे, झाड़ियां पकड़ ली और उसके सारे पत्ते खींच लिए। उसने मस्ती के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिल्ली डर के मारे देखती रही। मैंने क्या गलती की, बिल्ली चिल्लाई। मुझे उसे कभी यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। और कहानी यही ख़त्म होती है। बच्चा पहली रात को सो जाता है और बेबीसिटर भी बच्चे को सुलाने के बाद आराम से टीवी देखने के लिए चली जाती है। टीवी देखते देखते उसको नींद आ रही होती है, लेकिन बच्चा चिल्लाने लग जाता है। तो वो बच्चे को शांत करने के लिए वापस से ऊपर उसके कमरे की तरफ जाती है, लेकिन कमरे में देखती है तो क्या, बच्चा कमरे में था ही नहीं। तो उसको नीचे से पता नहीं कैसे रोने की आवाज़ आने लगती है और वो देखती है कि बच्चा नीचे पड़ा हुआ है। इस बच्चे को तो बेबी सीटर ने ऊपर रखा था और वही एक ही रास्ता है नीचे जाने का, तो वहाँ से ये बच्चा आया तो आया कैसे। इस बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि इतना भारी भरकम दरवाज़ा खोल सके और वहाँ से रेंगते हुए यहाँ पर आ सके। तो ये क्या था, शैतान या फिर कुछ और। बेबी सीटर अभी थोड़ी सी मतलब सोच में पड़ी थी कि ये सब कुछ यहाँ पे चल क्या रहा है। बच्चा यहाँ पर बैठ के आराम से टीवी देख रहा था, वो बच्चे के लिए दूध लाने जाती है लेकिन फ्रिज का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर आप इस टाइम फ्रिज खोल के देखोगे तो उसके अंदर बोतल मिलेगी नहीं, बोतल फ्रिज से गायब होके आती है कहाँ, इन चारों किसी कबर्ड के अंदर। और वो बच्चे को वापस से दूध पिलाने चले जाती है और बच्चा दूध पीने के बाद वापस से चीची कर देता है, तो वो साफ करने के लिए भी उसको इधर लेके आ जाती है। लेकिन जैसे ही डायपर उठाने के लिए गई, डायपर के नखरे शुरू, डायपर के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, वो भागने लग जाता है डायपर। ये देखो ऊपर शेफ की टोपी पहन के बैठा है, क्या कर रहा है बे, शेफ की टोपी उतार। अबे अगर तू भागेगा तो बच्चे को क्या पहनाऊंगा मैं। अब यहाँ पर जाके देखोगे तो ये चश्मा लगा के बैठा होता है, ये देखो चश्मा।
चश्मा लगा के क्यों बैठा है, ये कौन है? शायद ये कोई करेक्टर है गेम का, जिसका ये मतलब ऐसे ईस्टर है कह सकते हो। और यहाँ पर वो फाइनली आके इधर बैठा होता है और हमें देखने के भागने की कोशिश करते देख के, लेकिन भाग नहीं पाता। यहाँ पर देखोगे तो एक इमरजेंसी बॉक्स जैसे इलेक्ट्रिक, ये क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का होता है वैसा ही कुछ है, लेकिन उसके अंदर निप्पल लगाया हुआ है। तो बेबी सिटर उस नैपी को वापस से बच्चे को पहना देती है। अभी बेबी सिटर उस बच्चे को यहाँ से लेकर जा रही थी, तभी बच्चा उसके हाथ से गायब हो जाता है। और एक बार इसकी आंखें देख लो, बाप रे क्या शैतानी आंखें है बे इसकी, इतनी मासूम सी आंखों में शैतानियत कैसे आ जाती है बे। वो बेबी सिटर इसकी केयर बगैर इसको बच्चे को उधर सुलाती है। और दूसरे दिन रात की दूसरी कहानी, राजकुमार और खरगोश। जब खरगोश मिलने आया, राजकुमार ने कहा खेलने का समय, लेकिन उसकी बड़ी लाल आंखें उन्होंने उसे डरा दिया और वह रहना नहीं चाहती थी। जल्दी से बाहर निकलने की ओर नन्ना खरगोश कूद गया। राजकुमार ने उसके ठीक पीछे दौड़ा और चिल्लाया, उसे रोका जाना चाहिए। बेबीसिटर अगला पेज पढ़ने जा रही थी, लेकिन बच्चे ने किताब ही फेंक दी। बच्चे में पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से आई। तो बेबीसिटर उसको एक खरगोश का खिलौना देती है और ज़रा एक बात नोटिस करी, ये क्या था भाई, ये क्या था? अंधेरे गलियों से उसने उसका पीछा किया। हप हप हप, एक अथक व्यर्थ उड़ान। हप हप हप, महल के अंदर गोल और गोल, अंतरिक्ष और दृष्टि के अंदर और बाहर। हप हप हप, राजकुमार वह उसे पकड़ नहीं सका। उसका हृदय क्रोध से भर गया। खरगोश ठीक दरवाजे से फिसल गया और रास्ते से गायब हो गया। राजकुमार चिल्लाया, मुझे नए दोस्त चाहिए, अधिक, अभी, एक और। मैं तुम्हें कुछ लाऊंगा, अब चिंता मत करो, उसकी प्यारी देखभाल करने वाली माँ को जवाब दिया। तो बेबी सिटर बच्चे को सुला के वापस से टीवी देखने के लिए चले जाती है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर लेना। फिलहाल इधर ये खरगोश कैसे आया, खरगोश वहाँ से यहाँ कैसे आया, वो भी कटी फटी हालत में। नहीं, मेरे से ज़्यादा तेरे को ज़्यादा जल्दी गायब हो गया, यही बेबी सीटर सोच रही होगी कि बच्चा ये मतलब ये चल क्या रहा है। टोस्टर और बेबी सीटर उधर रखती है और वापस से टीवी देखने के लिए मतलब टीवी देखते देखते वापस से सो जाती है। तीसरी रात जो बड़े ही भयानक से होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखना। बेबी सीटर को पता भी नहीं था कि उसके साथ अब होने क्या वाला है। तो ऊपर वापस से बच्चा रोने लग जाता है, टीवी देखने जाते हैं तभी रोता है। तो वो बच्चे को वापस से उधर शांत करके दरवाज़ा बंद करके नीचे चली जाती है ताकि वो कुछ खा पी सके, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। तो वो भी इधर देख आती है, उसको याद होता है कि चलो मेरे को भूख लगी, कुछ खाना पीना बना लेते हैं। तो वो टोस्टर खोलते हैं, उसमें एक सैंडविच बनाने के लिए पूरी को सैंडविच पूरा बना ही देती है। और सैंडविच बनाने के बाद और तभी वो डर जाती है और बच्चा अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। हर जगह लिख देता है फीड मी, ये बच्चे की ही हरकत थी, ये बेबी सिटर समझ गई थी। अब उसे यहाँ से कैसे निकलना है यही समझ नहीं रहा था। वो बेचारी डर गई थी, वो बस इधर से उधर भागने की कोशिश कर रही थी, बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्चा उसे कुछ करे ना, क्योंकि उसको पता है वो एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो यहाँ से बाहर सिर्फ वो बच्चा ही निकाल सकता है, और कोई भी इस बेबी सीटर को अब यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए बेबी सीटर फैसला करती है कि वो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगी, क्या पता उस शैतान में कुछ दया माया आ जाए और वो उसे जाने दे।
तो बच्चे को वापिस से दूध पिलाती है, लेकिन बच्चा तो था शैतान का अवतार। वो कहाँ जाने देने वाला था। वो नैपी जैसे ही बदलने गई, अब बेबी सिटर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। उसको अब समझ में आया कि ये चल क्या रहा है। वो बच्चे को शांत करने के लिए गई, लेकिन बच्चा ये खिलौने फेंक रहा था। उसको याद आया कि घर के मालिक ने ऊपर एक पेसिफायर लगाया हुआ है। बच्चा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे पेसिफायर को लेकर वापस से नीचे जाती है और बच्चे का मुंह बंद कर देती है। फाइनली अब सब कुछ शांत हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी इस बच्चे को उधर रख के भागने की सोचती है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खिलौने पहले से फैले हुए हैं, जो पिकमैन वाले चैप्टर व्हाइट रैबिट का, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे, उसमें यही हाल था। और बच्चा उसको एक इल्यूजन दिखाना स्टार्ट करता है, जिसमें वो बच्चा हमें वही शिप की कहानी सुनाते हैं, वो भी अपने डरावनी आँखों के साथ। बच्चा उड़ते हुए कमरे के अंदर जाते हैं, वो डरते मारे अंदर घुसती है। वो देखती है कि बच्चे के अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है। वो बच्चे को खिलौने देती है, क्या पता शायद बच्चा छोड़ दे, क्योंकि बाहर भागना अभी नामुमकिन सा हो चुका है। तो उसका चिंता किए बगैर बच्चे को ये खिलौने दे देती है। तीसरी और आखिरी कहानी, राजकुमार और भेड़। पता नहीं इसके अंदर की ग्रामर को क्या सत्यानाश ग्रामर का करके रखा है, फिर भी पढ़ेंगे ज़रूर आपके लिए। पूरे महल में ठंड थी, चांद बाहर चमक रहा था। हवा यह उड़ा और उड़ा, अरे नहीं, पर्दे खुलकर उड़ गए। छोटा राजकुमार अपने बिस्तर पर था और सो नहीं सका। तो उसने अपनी माँ को बुलाया, कृपया जाओ और मेरी भेड़ों को ढूंढो। मैं प्यासा हूँ, राजकुमार ने कहा। तो भेड़ें उसे एक पेय ले आई। मैं गंदा हूँ, राजकुमार ने कहा। तो भेड़ों ने उसके कपड़े बदल लिए। मैं थक गया हूँ, राजकुमार ने कहा। चलो मैं तुम्हें गिनता हूँ, 1, 2, 3। बस एक और बात, राजकुमार ने कहा, इससे पहले कि मैं सो जाऊं। उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें खोली और भेड़ों का सामना करने के लिए बदल गया। आओ मेरे साथ मेरे सपनों में, हमेशा के लिए मेरे दिमाग में रहो। आज्ञाकारी रूप से भेड़ आगे बढ़ी, यह भय से भस्म मन है। और उसके बाद अब हम अगर इस घर के बाहर जाके देखें, तो ये तो बच्चा है, लेकिन अगर घर के बाहर जाके देखें, सारे के सारे दरवाज़ा लॉक्ड ही मिलेंगे, कोई भी दरवाजे चलेगा नहीं। अब वो अलग बात है कि गेम का ही पर्सपेक्टिव है, गेम का स्टोरी उस रूम में, इधर अपना कुछ काम नहीं इसीलिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस बच्चे ने पूरी बिल्डिंग के सारे लोगों को मार डाला, तो आपका क्या कहना है? जी हाँ, ये सच है, इस बच्चे ने बिल्डिंग के सारे लोगों को मार दिया। और उन लोगों को इस बच्चे ने अलग अलग खिलौने और अलग अलग वस्तुओं में डाल के रखा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेकंड नाइट में जब बेबी सीटर उसको दूध पिलाने जाती है, वो अपने आप दरवाज़ा बंद तो कर देता है, लेकिन इस डायपर के अंदर आत्मा कहाँ से आई? और अगर ये टेबल हम देखेंगे, तो बाद में इसको मैं जूम करके बताऊंगा, ये मेरे को क्लू कम ये फोर्थ वॉल ब्रेकिंग चीज़ मेरे को ज़्यादा लग रही है। भाई ये क्या है? उधर बिल्ली है जो स्टोरी के अंदर है, वो उधर शिप भी है,
वाइट सिम वो शिप चैप्टर की कहानी वाली शिप। अब या तो ये फोर्थ वॉल ब्रेकिंग चीज़ है या फिर ऐसे ही क्लू है, या फिर कुछ ऐसे ही डाल दिया, डालने को कुछ मिला नहीं ऐसे ही डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका सबूत कि इस बच्चे ने सारे लोगों की आत्मा अलग अलग खिलौने में डाली है, इसका सबूत हमको नाइट टू में ही मिल जाता है। आपको याद ही होगा कि हम नाइट टू के लास्ट सीन के अंदर हम जो है बच्चे को कहानी सुनाते हैं, खरगोश और राजकुमार, और कहानी सुनाते सुनाते उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है पता नहीं किस बात का, वो पूरी किताब ही फेंक देता है। उसको असल में खरगोश चाहिए होता है, तो हम भी जो है उसको खरगोश मिला के दे देते हैं। वो अलग बात है, हमको डरावनी आके देखा के डराता है ये। तो हम उसको पूरी कहानी सुनाने के बाद बेबी सीटर जैसे ही टीवी देखने जाती है, तभी घर की घंटी बजती है और उसको याद आता है कि उसने टोस्टर कुछ मंगाया था। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये बनी जो ऊपर कमरे में था वो वहाँ से यहाँ कैसे आया, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं इतने पास ये कैसे आया, और जैसे उठाया बनी गायब, ये ऊपर कैसे आया, और ये फटा कैसे, उसको फाड़ा उस बच्चे ने। वो चल के आया किसी इंसान की आत्मा की वजह से, इसीलिए घर के अंदर हमें ब्लैक कैट्स भी मिल जाती है अलग अलग, 12 तीनों दोनों चैप्टर्स में छः छः डिवाइडेड करके रखी है। वो अपने ऐसे मज़े के लिए डाला होगा, मतलब ब्लैक कैट के चैप्टर के ईस्टर के लिए, ईस्टर एग के लिए। लेकिन ऐसा ही चीज़ है कि घर के अंदर के सारे खिलौनों में आत्मा आ चुकी है, ठीक है, उसके अंदर इसने बच्चे ने आत्माएं डाल के रखी है, उन सभी की आत्माएं इस बच्चे ने सोख रही है, सोख के रखी है, सोखी हुई है, और वो अपनी मर्जी से उन आत्माओं को कंट्रोल करता है, और जिस चाहे और उसे जिसे चाहिए उस खिलौने के अंदर वो आत्मा डाल के उसके साथ खेलने लग जाता है। अब ये बच्चे की कहानी क्या थी ये तो हमें आगे पता चलेगा, अभी बस इस बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये शुरुआत कहाँ से हुई, मुसीबत, बस इतना ही हमें पता है। बाकी के कहानी अब अगर अगला अपडेट आता है तो हमको पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा कि बच्चे की हिस्ट्री है तो है क्या। तो दोस्तों यही थी बेबी इन येल्लो की शिप चैप्टर की स्टोरी। आने हम आगे हम कभी किसी दिन रैबिट चैप्टर और ब्लैक कैट चैप्टर की भी स्टोरी मैं बताऊंगा। मैं बस फ़न के लिए स्टोरी डाल रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि मेरे मन में आया कि चलो इसकी स्टोरी बना के डालते। ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आया, आपको अगर वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट क्या करो यार, कमेंट बॉक्स इतना खाली खाली क्यों है भाई, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई कमेंट ही नहीं करता, क्या करो कमेंट, व्यूज़ 10-20 आते हैं उससे मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कमेंट करते हो तब मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ कम लगा कुछ ज़्यादा लगा, ज़रूर बता देगा ना वीडियो में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।